हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वैली कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल खिचड़ी। जब भी कभी खाना बनाने का मूड ना हो तो दाल खिचड़ी एक बेटर ऑप्शन होती है और बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिए है एक कप चावल, बासमती टुकड़ा मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। आप अगर चाहे तो आप जो घर में नॉर्मली चावल यूज करते हो वो यूज कर सकते हो। एक कप तुअर की दाल, तुअर की दाल की जगह आप मूंग की दाल भी यूज कर सकते हो या फिर मूंग दाल और तुअर दाल मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। जीरा, नमक, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 4 से 5 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, कड़ी पत्ता और धनिया बारीक कटा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं दाल खिचड़ी बनाने की प्रोसीजर। सबसे पहले हम दाल और चावल को मिक्स करेंगे और इसे पानी में अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश कर लेते हैं। दाल और चावल को मैंने अच्छे से वॉश करके कुकर में ले लिया है। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देते हैं। ऊपर से हम 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 3 सीटी होने तक पका लेंगे। 3 सीटी होने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था और कुकर को ठंडा करके लिया। अब मैंने कुकर को ओपन किया है। आप देख सकते हैं दाल चावल जो है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने दाल और चावल को पानी मिलाकर हल्का सा स्मैश करके लिया है, आप देख सकते हो। अब हमारे दाल चावल रेडी हो चुके हैं। अब हम खिचड़ी बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच घी गरम करके ले लिया है। घी की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं, कड़ी पत्ता डाल देते हैं और बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का गुलाबी कलर होने तक अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखें। प्याज का कलर हल्का गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स बताते वक्त मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बताना मिस कर दिया था, तो आप अगर आपको पसंद है तो आप ये पेस्ट ज़रूर ऐड करें। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं और टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो प्याज में अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसमें हमने जो मसाले लिए थे वो डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको लाल मिर्च तीखा, खिचड़ी ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर स्किप कर सकते हो। और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे इन्हें अच्छे से और 1 मिनट इन्हें अच्छे से भून लेते हैं। मसालों को प्याज और टमाटर में मैंने अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब हम इसमें हमने जो दाल और चावल पका के लिए थे वो डाल देते हैं।
अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने स्लो रखा है ताकि मिक्स करते वक्त खिचड़ी नीचे से जले ना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में खिचड़ी को। खिचड़ी को मैंने मसालों में अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। एक बात का ध्यान रखें, जब हमने कुकर में दाल और चावल पकाने के लिए रखे थे तब हमने इसमें नमक डाला था, तो यहाँ पर नमक डालते वक्त जरा ध्यान से फिर से एक बार मिला लेते हैं। ओके, हमारी दाल खिचड़ी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो मत डालिए। मिक्स करेंगे, आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो पर मैं यहाँ पे इसे तड़का देने वाली हूँ। तड़का देने से इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा। अब हम गैस बंद कर देते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। पैन में मैंने घी गरम करके लिया है, अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं। जीरे को अच्छे से फूलने दीजिए ताकि इसका टेस्ट घी में उतर जाए। जीरा अच्छे से फूल चुका है, अब हम इसमें बारीक कटा लहसुन डाल देंगे, बारीक कटा अदरक, अगर आपके पास लाल मिर्च है तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और कड़ी पत्ता डाल देते हैं। मिक्स करेंगे इन्हें अच्छे से। अदरक और लहसुन का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। ऑप्शनल है ये, पर इससे ना तड़के को कलर बहुत अच्छा आएगा। हमारा तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब हम इसे खिचड़ी पे डाल देते हैं। तड़के को मैंने खिचड़ी पे डाल दिया है, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी दाल खिचड़ी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी दिख रही है। आप देख सकते हो कलर भी इसे बहुत अच्छा आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आज की डिश, बहुत ही इजी तरीके से और झटपट बनने वाली दाल खिचड़ी। आप भी ये डिश घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज इजी वाली कुकिंग को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।